हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 6 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स जी के आपकी सभी कंपटीशंस एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ लिंक से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। दुनिया भर में हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 नवंबर को, ऑप्शन बी 5 नवंबर को, ऑप्शन सी 6 नवंबर को, ऑप्शन डी 7 नवंबर को। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी 5 नवंबर। जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, यह लोगों को सुनामी के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह जापान की देन है, यानी कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, तो जापान की देन है इसलिए। और यह जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, दिसंबर 2015 से शुरू हुआ था। वर्ष 2019 में इसके सेंदाई 7 कैंपेन के लक्ष्य को बढ़ावा देना है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में आपदा नुकसान को कम करने और बुनियादी सेवाओं के विघटन पर केंद्रित है। नेक्स्ट, किसे लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए IPS आदित्य मिश्रा को, ऑप्शन बी IPS अमूल्य पटनायक को, ऑप्शन सी IPS किरण बेदी को, ऑप्शन डी IPS अतुल पेडनेकर को। दोस्तों, लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे 2012 में स्थापित किया गया था। LPAI भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्धारित बिंदुओं पर यात्रियों और सामानों की सीमा पर आवाजाही के लिए सुविधाओं का विकास, स्वच्छता और प्रबंधन करता है। LPAI का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किया गया है वरिष्ठ IPS अधिकारी आदित्य मिश्रा को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आदित्य मिश्रा 1989 बैच के यूपी उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं और इन्हें अगले 5 साल के लिए LPAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश वर्ष 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी गुयाना, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुयाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में गुयाना की वृद्धि 4.4% तक बढ़ने की उम्मीद है और यह बढ़ने के बाद गुयाना की GDP जो है वह 86% के लगभग हो जाएगी, इतना पहुंचने का अनुमान है। और यह अनुमानित जो वृद्धि है गुयाना में, एक्सॉन मोबिल कॉर्प द्वारा तेल की खोज के बाद हुई है। नेक्स्ट, दूसरा चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात मेला 5 से 10 नवंबर तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात मेला 5 से 10 नवंबर तक चीन में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चीन। और इस मेले में भारत भी एक मेहमान होगा, भारत भी एक मेहमान होगा। लगभग 100 से ज्यादा आयात लोग यहाँ पे अपनी चीजों का आयात
करेंगे। नेक्स्ट, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सी बार पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? ऑप्शन ए दूसरी बार, ऑप्शन बी तीसरी बार, ऑप्शन सी चौथी बार, ऑप्शन डी पांचवी बार। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स 6 बार खेला है और उन्होंने यह खिताब ऑप्शन डी पांचवी बार जीता है, और यह खिताब उन्होंने फाइनल में कनाडा के डेनिस सापोवालो को 6-3, 6-4 से हराकर जीता है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में चर्चा रहे ऑपरेशन मां संबंधित है। फर्स्ट, लापता युवकों को खोजने से, दो गर्भवती महिलाओं के पोषाहार से, तीन बुजुर्ग महिलाओं को दिए जाने वाले आर्थिक मदद से, और चार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। हाल ही के दिनों में एक ऑपरेशन चर्चा का विषय रहा था जिसे ऑपरेशन मां के नाम से जाना जाता है, और यह जो ऑपरेशन है ये किस लिए शुरू किया गया था? तो इसके ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, यानी कि जो ऑपरेशन मां है वह लापता युवकों को खोजने से संबंधित है। नेक्स्ट, रग्बी विश्व कप 2019 की विजेता टीम है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो रग्बी विश्व कप 2019 की विजेता टीम है दक्षिण अफ्रीका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। रग्बी एक खेल है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर रोजगार कार्यक्रम के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी तरह की पहली रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन बी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन डी पंजाब के मुख्यमंत्री ने। तो ये जो सेवा है ये पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुरू की है घर घर रोजगार कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए हेल्पलाइन। रोजगार हेल्पलाइन जो है उसका नंबर है 7626076260। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर से हटाकर श्री सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोवा का, ऑप्शन बी बिहार का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी राजस्थान का। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्हें जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया है और उन्हें हाल ही में गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने किस स्थान पर स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा संस्थान CRIUM को अपग्रेड कर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर NRIUSMSD का उद्घाटन किया है? यानी कि पहले जो संस्था थी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा संस्थान, उसको अपग्रेड किया गया है, अपग्रेड करके नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपाद यसो नाइक ने किया है। तो उन्होंने किस स्थान पर किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी भोपाल में, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जी के। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट करें। UV कंपटीशन चैनल को और हमारे वीडियोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।